यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51(a)(h) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह थी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। हाँ भैया, अरविंद जी आए। जी अरविंद जी बताए। जी नमस्कार। ये बताइए कि आप लोग वामपंथी हैं और साइंस पर भरोसा रखते हैं कि नहीं? पहले ये बताएं मैं क्या हूँ ये आप कैसे तय कर सकते हैं? आपके पास कौन सा नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आपको किसने दी? सबसे पहले आप ये बताएं आपको नहीं, आपने पूछा नहीं ना, आपने पूछा ही नहीं, आपने तो सीधा टैग लगा दिया ना। पूछने का पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते। आप कोई अथॉरिटी नहीं हो जो मुझे ऑप्शन दे रहे हो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आप वामपंथी हैं या नहीं है ये बताइए। आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? मतलब क्या अथॉरिटी है कि आप टैग लगा दिया है या नहीं, इसका क्या मतलब होता है, समझते हैं आप? नहीं मतलब अगर आप वामपंथी हैं तब तो फिर आपकी बात का जो विश्वसनीयता है वो अपने आप खत्म हो जाती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं वामपंथी नहीं हूँ, मैं एक रैशनलिस्ट हूँ। जी सर। नहीं नहीं रुकिए ना, बताएं आप क्या, पहले आप बताएं, आप बताएं। अगर कोई वामपंथी है जी तो इस आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो वामपंथी है तो उसके बोलने का सारा जो भी वो बोल रहा है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है? आप ये कैसे प्रूव करेंगे? ये भी बात, बोल रहा है वो गलत बोल रहा है अगर वो वामपंथी है भी तो कैसे प्रूव बोलने का मौका दूंगा? हाँ मौका ही है ना, बोले, पूछा गया ना तो बोले, सुनाई दे रहा है। जी सर। सर 1962 का जब युद्ध हुआ था तो वहां पर जो वामपंथी थे भारत के, उन्होंने चाइना के लोगों को, चाइना के सैनिकों को अपना खून देने के लिए वो तैयार क्यों हो गए? और उनका तो सपना जो है वो लिखित है कि 17 भाग में भारत को विभाजित करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। तो वैसे में तो फिर आप जो दक्षिण पंथी है उनके बारे में भी हम लोग ये सब बातें कह सकते हैं। हाँ वो भी तो ऐसी है ना, दक्षिण पंथी भी ऐसी बातें करते हैं। प्रूफ दीजिए वहां पर कब उन्होंने चाइना के सैनिकों को अपना खून दिया और भारत के सैनिकों को देने से मना कर दिया? अरे चाइना के नहीं तो किसी और के लिए, जरूरी थोड़ी ना कि हर कोई चाइना को ही देगा। आप संदर्भ को हटाइए ना, सुनिए ना, संदर्भ को आप हटाइए तो दक्षिण पंथी अगर हम लेते हैं विचारधारा तो वो भी तो समाज विरोधी है कई जगह पे, वो तो कहते हैं। अरे न्यूटन जी इस पे हम बात छोड़ते हैं, ठीक है? और हमें इससे क्या करना है आप तो ये बताएं, आपको आज जो स्ट्रीम हुआ है इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको जहां से दुख हो रहा है ना उस पर बात करें, आप सीधे मुद्दे पर आएं, आप इधर उधर की बातें ना करें। मैं जानता हूं आप इधर उधर क्यों भटका रहे हैं, इसलिए टू द पॉइंट हम बात करते हैं। आपको जहां से दुख हुआ है ना वहां से बताएं। तो चलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोग वामपंथी नहीं है, आप लोग साइंस कुछ भी मानकर ना चलिए, आप मानकर ना चले, आप कुछ भी अपनी तरफ से मानकर चलने की जरूरत नहीं है। आप ना आज जो हुआ है ना, आज का स्ट्रीम उसके बारे में या इससे पहले जो स्ट्रीम्स हुई है उसके बारे में या कभी भी कोई भी मेरा वीडियो जो भी उससे आपको दिक्कत है या समर्थन है या आपको फैक्चुअली इनकरेक्शन लगा तो आप करेक्ट करना चाहते हैं तो विद रेफरेंस हमारे साथ बात कर सकते हैं, और बिना रेफरेंस के कोई भी दलील आपकी सुनी नहीं जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी बात बोलते हैं तो उसका प्रूफ यहाँ पे दिखाते हैं, तो आपको भी अगर आप कोई भी दलील देंगे ना तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे ही आपको पहले प्रूफ दिखाना होगा। तो इस चीज का याद रखें और बताएं आप।
सर प्रूफ को आप ये कैसे तय करते हैं कि ये प्रूफ है? अपने मस्तिष्क से ना? मस्त हेलो, यार प्रूफ। मतलब मैं जैसे, सर जो रुकिए रुकिए, प्रूफ प्रूफ का मतलब सीधा ये है मेरे भाई, जैसे अगर आज आप श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो मैंने जो रेफरेंस दिए हैं, अगर आपको उनको डिसप्रूव करना है तो आप भी, जैसे मैंने किताब का रेफरेंस दिया, आप उस किताब को लाएं, खोल के स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं, ये होता है प्रूफ। अब इसका मतलब ये नहीं, मैंने जो किताब से बोला है ना, वही किताब आप उठा के दिखाएं और आपको ऐसा लगता है कि हमने जो गलत दिखाया, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है और मैंने मिसकोट किया है, ये होता है जी प्रूफ। सर, मतलब मुझे अगर डिसप्रूव करना है तो बस इस जी तरीके से आप समझ सकती हैं कि क्या आपको दिखाना है। आपको पहले तो बताएं कहाँ डिसअग्रीमेंट है, वो बताएं। जी मैं पूरी बात करूंगा, वो भी बताऊंगा कि कहां मैं आपको साइंस से डिस्प्रूव करने जा रहा हूं। आप साइंस पर विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यार नहीं साइंस की बात ही नहीं हो रही, यार साइंस की अभी बात ही नहीं हो रही यार, सर, आप लोग मुद्दे रेशनल को है ना ना, इसलिए बदलें। बता। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आज का जो स्ट्रीम है वो साइंस पे नहीं था, वो श्री कृष्ण पर था। और सर श्री मैं कृष्ण का जो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण और और ये भागवत से था। तो आप अगर इन दोनों किताबों पर बात करना चाहते हैं तो बात करें, आप साइंस के लिए बात करना है तो साइंस के लिए स्ट्रीम रखेंगे, उस पे आ जाएं। नहीं, मैं कह रहा हूं मैं साइंस से इस बात को डिस्प्रूव करूंगा। आप साइंस किस पर तो बात को? विश्वास रखते ये हैं आज आज जो जो मैंने नहीं जो जो स्ट्रीम मैंने की आज आज, जिसको आप साइंस से डिसप्रूव करोगे जी, मैं साइंस से डिसप्रूव करूंगा। यार, फिर मैं आपको क्या कहूं कि आप या फिर बेवकूफ हैं, बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं। जब किताब, मतलब एक किसी धार्मिक ग्रंथ की बात चल रही है और मैंने धार्मिक ग्रंथ का रेफरेंस दिया है, और उसको आप डिसप्रूव किससे करेंगे? वाह साइंस भाई, से डिसप्रूव करेंगे आप साइंस से? क्या बात है, जी इसमें सर, साइंस कहाँ आ गई? इसमें साइंस का क्योंकि क्या रोल होगा? जो इंसान उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं, जो चीज उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। जी सर, जी सर मैं चलो बता रहा बताएं, हूँ। चलो आज आपका साइंस भी देख लेते हैं, चलो साइंस जी बताएं, चलो सर, कैसे डिस्प्रूव करते हैं, चलो आज आपकी हर जी चीज सुनते हैं, चलिए बताएं। जी अभी आपने कहा कि मतलब ये आप यहाँ पर साइंस क्यों घुसा रहे हैं, तो मैं बताऊँ मैं साइंस क्यों घुसा रहा हूँ। मैं साइंस इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि जब आप मेरी बात कर रहे हैं तो मेरे घर में जो छुपा मतलब छुपा कर मेरे घर में जो हथियार है उसको आप प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग रेशनल चीज पर विश्वास करते हैं, आप लोग साइंस पर विश्वास करते हैं, मैं भी साइंस पर विश्वास करता हूँ, तो मैं आपके हथियार से आपको मारने का प्रयास करूंगा, अच्छा तो साइंस पे, इसलिए अच्छा चलो ठीक है, मेरे मेरे हथियार से मेरे को मारो, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ, मैं आपको आपकी आंखें खोलने आया हूँ, और इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल से बचें। मैं इन्वॉल्व बोला था, इन्वॉल्व को आपने घुसाना, तो इस तरीके के शब्दों को ना आप थोड़ा नहीं, आप बचें, आप उसका अपनी तरफ से नहीं शब्दों को बदलें। और दूसरी बात ये बताएं, अगर आप साइंस कह रहे हैं ना, आप साइंस से मेरे को डिस्प्रूव करेंगे, साइंस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं, आपकी साइंस कि परख देख मैं लेते हैं कि कर रहा वास्तव सुने 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 मैं हूं थोड़ा जी सा टेस्ट तो ले लूं कि वास्तविकता में आप साइंस जानते भी हैं, या मतलब साइंस के बारे में कुछ नॉलेज रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, वो चीज भी तो जान लूं थोड़ा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, क्या हमारे सर, हनुमान जी ने सूर्य को खा सकते हैं? पहले सीधी बात ये बताएं, क्या हनुमान जी सूरज को निगल सकते हैं? सर आप भी तर्कशील व्यक्ति इसको हैं पहले, और मैं भी छोटा मोटा, हाँ तो मैं मैं वही अपने पूछ रहा हूँ आप ना, ठीक है, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, मैं आपको टैग नहीं थमा रहा हूँ, जैसा कि आप मुझे आके सीधा टैग थमाए, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ इतना बताएं कि आप इस चीज को सच मानते हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, बस मैं समझ लूंगा कि आपको साइंस आता है, आप साइंस में भरोसा करते हैं, बस आप इतना बताएं। मैं कह रहा हूं कि साइंस में कुछ भी मैं असंभव नहीं सीधा सा है। उत्तर यार, सीधा सा उत्तर आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, क्या एक मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हाँ यही कहूंगा, हनुमान जी क्या सूरज को निगल सकते हैं? यानी वो एक बंदर के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, तो क्या एक बंदर सूरज को निगल सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? साइंस में सर कुछ भी असंभव नहीं है, तो मैं जो कह रहा हूं मैं पूरी बात मैं कर लूं, फिर आप यार अपनी बात साइंस में रखें। कैसे पॉसिबल है यार, वही तो मैं यार, आप हाँ या ना बोलकर आप बता दें सीधी बात, कैसे पॉसिबल है अगर है तो? नहीं आप कह रहे हैं ना आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो बताएं कि एक मतलब हनुमान कैसे सूरज को निगल सकते हैं, पॉसिबल कैसे है, उस पॉसिबिलिटीज को मेरे को आप रख दें एक एक करके, कितनी हाँ भाई, मैं पॉसिबिलिटीज खाना हैं वाना कि खा रहा ये निगल। था यार, तो हाँ तो अरविंद जी को बताएं, सुन हाँ रहा सर था मैं आप भी, खाते खाते। हाँ अरविंद जी, बता दो तो यार सर सर। इनसे पॉसिबिलिटीज हाँ पूछ भैया, लेते हैं ना, नमस्ते कैसे नमस्ते भैया सर? पति जी। सर ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। अरे नमस्ते चलो भैया यार, बताओ।
जी। सर जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो बहुत ही, हाँ वो जो विस्फोट हुआ था उससे हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, फिर ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मतलब आप ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को नहीं रचा है। चलो रुकिए आप रुकिए, मैं एक चीज बता पे तो कम से आपको। हाँ, तो कोई छोटा सा मतलब कि जब पार्टिकल था वो जब टकराया, ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारी चीजें, आप कुछ पृथ्वी बन गया, कुछ दूसरा बन गया, कुछ कुछ बन गया, ठीक है, तो वो छोटी चीज रही होगी, अब वो धीरे धीरे प्रसार कर रही है और अब बड़ी यानी, होती। अरे भैया तो फिर ये भी तो है ना, अगर वो छोटी चीज रही होगी तो फिर यार उसकी दूरी जो है ना, वो दूरी के इतनी दूरी पर है, छोटी चीज तो दिखती नहीं। फिर आप ये भी तो बताए ना यार, फिर तो वो दिखाई ही नहीं देती। और नहीं, सूरज का वर्णन तो वैसे किया जाता है, जैसे अच्छा पागल यार कहते हैं कि सूरज हमें डूब देते। अरविंद जी, यार आप कहाँ ये सब साइंस वाइंस की बात कर रहे हो, आप तो मानते ही नहीं है साइंस वाइंस को, छोड़ो कहाँ लगे हो आप। नहीं, ये सर यही तो क्लेम करके आए ना, ये ये साइंस को बताओ, मानते हैं और ये हमें साइंस चलिए से नहीं डिसप्रूव मानते, करने आए हैं सर। नहीं मानते, ये अभी मेरे को रमेश सर की स्ट्रीम में मिले थे, इन्होंने कहा हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था, छोड़ो उस बात को। अच्छा, हाँ छोटा वाला खाया था। ये बताओ अरविंद जी, भगवान सर, मैं अपनी शंकर, बात ठीक सुनो ना, छोड़ो आप बोलिए। वो बात, छोड़ते हैं पूरी बात को ही छोड़ देते हैं। आज सर आप ये कृष्ण पर बात करें मानते और दूसरे गॉड हो, पे। नहीं इनको थोड़ा, शंकर जी का मैं भक्त हूं ना यार, पता है आपको, भोलेनाथ का। हाँ भैया, आप भगवान हाँ, विद शंकर जी रहे को मानते हो? मैं भगवान शंकर जी को भी मानता हूं, मैं मानता हूं कि किसी भी जिसका जो नजरिया बस होता है तो उस, यही तक पूछा सर, बस मानते हो, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करते हो? हाँ कभी कभार जाता हूं। शिवलिंग को स्नान कराते हो? हाँ कराता भी हूं कभी कभार, दूध से कराते हो, जल से कराते हो? दूध से भी कराता हूं, और अगर दूध रहता है तो दूध से कराता हूं, अगर दूध नहीं रहता है तो जल से कराता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे। रगड़ रगड़ के कराते हो? नहीं, रगड़ने की जरूरत नहीं है, वो इतना मतलब प्यार से हल्का फुल्का प्यार से रगड़ने की सहला के? जरूरत। प्यार से, हाँ हाँ मतलब प्यार से सहला के करा देते हो। हाँ मतलब थोड़ा प्रेमत भावना में कराता हूँ। हाँ वही तो, प्रेम पूर्वक सहलाते हो ना, यही तो पूछा। अब वो हाथ लग जाता है उसको सहलाना कह लीजिए या कुछ, या फिर चरणों में उसका जो वो करते हैं वो कह लीजिए, यार तो अब कैसा चरण लगता है, कहाँ कैसा है वो। लगता है, कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है, बढ़िया फील होता है कहाँ कि पे मैं कुछ अच्छा अच्छा लगता करता हूँ। अच्छा अंतरात्मा में लगता है कि मैं अच्छा, अंतरात्मा को लगता आपकी अंतरात्मा को लगता है बहुत अच्छा जब आप शिवलिंग को सहला सहला के प्रेम पूर्वक स्नान नहलाते कराते हैं। हो, बहुत अच्छा लगता है आपको। जब मैं उनको अपने सीने से चिपका लेता हूं तब मुझको बहुत अच्छा लगता है। जब लिंग को, I'm sorry, जब शिव जी के लिंग को अपने सीने से आप चिपकाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत में लिंग का मतलब रूप होता है, तो मैं जब उनको चिपका लेता हूं तो अरे बहुत भाई अच्छा मैं लगता कहाँ कुछ और बोल रहा हूँ सर, मैं तो कुछ और कहीं बोल ही नहीं है। रहा नहीं हूं। सर, मैं भी मानसिकता समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ, आप बताइए। जी हाँ, नहीं, मैं तो, अरे मैं आपकी, आपके भक्ति भाव का पूरा सम्मान करते हुए पूछ रहा हूं आपसे कि जब आप लिंग को दूध मुझे से मुझे सहला के नहलाते हो, प्यार से फिर सीने से चिपकाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यही बोले ना आप? नहीं, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, जो हिंदुओं को वामपंथी है, मैं उससे अपनी सहानुभूति नहीं मैं तो मतलब नहीं वामपंथी लूंगा। नहीं हूं भाई, कैसे कर रहे हो यार आप? मैं तो, हम तो, जो आप हमने कह रहे हैं वाम तो पंथ मुझे, के खिलाफ स्ट्रीम करी है हाँ और मैं हाँ मुझे अच्छा लगता है, आप तो। बताइए। हाँ नहीं तो, अब आप सोचो कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके भगवान को नहीं मानता, आपको उससे बात करने का मन नहीं कर रहा, तो सोचो मेरे को कैसा लगता होगा यार कि मैं विज्ञान का छात्र हूं और आपने मेरे को कहा था कि हनुमान जी ने छोटा वाला सूरज खाया था, फिर भी तो आपसे बात कर रहा हूं ना मैं। तो नहीं तो भैया वहां जैसे हम पर, बात कर रहे हैं वैसे आप भी बात करो ना यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हाँ, जी, मुझको अच्छा लगता है आप वहां पर। सीने से जी चिपकाते हो, जी अच्छा लगता है। चिपकाते हैं। हाँ मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी के चरणों में सीने से लिपट रहा हूँ। जी बताइए।
एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा आजाद भैया। बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ सर, अभी आपको बोल एक रहा ही हूँ, चीज बोल रहा दिखा हूँ के ही दोस्तों, आप लोग बोलूंगा। स्ट्रीम को, हाँ स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करते रहें आप लोग। चलिए हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं। और हाँ, हम लोग सिर्फ प्रूफ दिखाकर ही बात करते हैं, उसके अलावा हम एक भी शब्द इधर उधर अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। तो जो भी हाँ हम हाँ मैं आपको बोलेंगे बोलूंगा वो, हाँ बिल्कुल जी सर। विद प्रूफ हाँ आपको नहीं यहाँ नहीं पर अरविंद जी भी दिखाएंगे हमारे जो भाई हैं बोलेंगे। यार, ऐसी बात नहीं है। भले से उनको मेरी हाँ, और सहानुभूति हम नहीं चाहिए, मगर मेरे मेरी इनकी सहानुभूति है भाई। अब लिंग को सहला रहे हैं प्यार से। आजाद भैया स्क्रीन शेयर कर देना भैया जी। जी, तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर हम किसी को आहत या अपमान नहीं करना चाहते। नहीं, हमारा बिल्कुल भी हमारा नहीं। मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाना है जो लिखा हुआ है किताबों में, हमारा मकसद बस। है बस अपने जो हमारे अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं उनको पूछना, बस इसके अलावा कुछ नहीं भाई। आपके भगवान, आप का पूरा हक है, अधिकार है आपका संवैधानिक। आप चाहिए तो आप पूजा करिए, आप लिंग को सीने से लगाए या गुदा से लगाओ, आपका मन है यार। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ जिज्ञासाएं रहती हैं अब छोटी मोटी। सर साइंस में आप प्रैक्टिकल को ज्यादा महत्व अमित देते हैं कि सर थ्योरी थोड़ा को? कंट्रोल, अमित सर। हाँ सर, हमें सर अपने तरफ से शब्द ना जोड़े। अच्छा ये आ गया ना भाई आपके पास। हाँ भैया देखो, कुलारवण तंत्र में लिखा है कि शिव जी ने आदेश जारी किया है ना कि शराब मांस और रजवीर से मेरा पूजन करो। सर शिव मैं जी अगर कहते आप हैं कि चाहें तो हे मैं क्या कर पार्वती, सकता हूँ? भैया सुनो तो, हे पार्वती, हजारों घड़े शराब तथा सैकड़ों भार मांस से भी मेरी पूजा की जाए तो भी मैं भगलिंगामृत रजवीरे के बिना कभी संतुष्ट नहीं होता। कुछ ट्राई किए हैं क्या सर वैसे? सर भगलिंगामृत क्या होता है ये भी बता दो, शायद ही इनको पता रज हो। और वीर्य का जो मिश्रण है ना, वेजाइनल सर जी, वेजाइनल जूस समझ लो आप, वेजाइनल फ्लूइड और सीमेन का जो मिश्रण होता है उसको भगलिंगम भगलिंगामृत बोलते हैं। पर सर हमने तो ऐसा सुना था कि भगलिंगामृत मतलब जो इंटर कोर्स के ड्यूरिंग जो वही इजेक्यूलेशन तो होता है ना, बोला, वही तो, पर रज का मतलब तो सर वही तो रज का बोला। मतलब भी वही हाँ होता है या खून होता है? हाँ अच्छा मैं ये कहाँ पे नहीं कंफ्यूज था। अच्छा हेलो, तो ठीक है फिर। हाँ हेलो भैया जी बताओ। सर, पहली बात तो जो आप दिखा रहे हैं इसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है। पता नहीं किस वामपंथी ने ये लिखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक तो लाइन सुनिए बोलने ना, लगते हैं सुनिए ना अरविंद जी, अरविंद जी, क्या आप जी, दैनंद सरस्वती को मानते हैं और वेदों को मानते हैं? आप क्या मैं आज शंकराचार्य को भी वेदों मानता को हूं, मैं मानते हैं? क्या जी आप वेदों मानते को हैं वेद, मानते हैं? हाँ, तो जी ये जी आर्य मैं समाज के द्वारा लिखी गई किताब है ये, इसको श्री राम आर्या ने लिखा है विद प्रमाण। तो क्या आप अपने ही दिखा लोगों भी की देता लिखी किताबों को जुटला देंगे? हूँ, एक मिनट दिखा भी दे रहा हूँ भाई ना। ये देखो, रुके ये पूरी तरह से मैं दक्षिण पंथी है। देख लो भाई, लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम आर्य, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद ने छापी है। इन्होंने लिखा है इस किताब पर 3 बार मुकदमा हुआ और 3ों बार ही जीत हुई। सर तो किताब फिर का नाम है अगर शिवलिंग पूजा क्यों। आप इसको समझिए, देखिए, आर्य समाज पुराणों का विरोध करता है ना, दक्षिण पंथी है, और पुराणों के विरोध में उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पौराणिक हिंदू धर्म को मानने वालों ने आर्य समाज के खिलाफ किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है च्युतियार्थ प्रकाश। ठीक है, अब आप ये देखो भाई, ये दक्षिण पंथी लोग हैं, इसमें से कोई वामपंथी नहीं है। अब आप ये सर बताओ, ये सत्या आपके ही लोग इस तरह की किताबें छाप रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे इसका नंबर भी दिया, कल इनको फोन करके पूछ लो कि भाई आपने छापी कैसी किताबें। देखिए, मैं इसका हाँ, स्क्रीन और शॉट ये ले रहा बहुत हूँ। ज्यादा नहीं, ये सेकेंड एडिशन जनवरी सन 2020 का है। मेरे ख्याल से न्यूटन जी, ये मुश्किल से 2 3 4 महीना हुआ होगा ना मंगवाए आपको शायद। हाँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी की किताब है, रिसेंट रिसेंट एडिशन है ये। तो भाई ये तो दक्षिण पंथी लोग छाप रहे हैं ना, और देखो क्या क्या लिख रहे हैं यार। देखो मैं, देखो यार, अब मेरे को आप लोग यहाँ पे चुप करा देते हो कि आप लोग अपने तरफ से शब्द मत जोड़ो, लेकिन यहाँ पे उन लोग लिख रहे हैं ना, ये देखो
चलो ये देखो, मैं एक अच्छा आपको चीज दिखाता हूँ। सुनो सुनो, अभी हाँ उस हाँ दिन एक हाँ साहब भी आए थे, मैंने उनको ये भी दिखाया था कि जी सर ये अपना भगवान शिव जो है ना, ये अत्री ऋषि की जो पत्नी थी ना अनसुईया, यार उसको अपना लिंग दिखा रहे थे, आपको पता है। जी और बोल रहे थे इसको कुछ देखो यार तुम, मैडम आप इसका कुछ इलाज करो, ऐसा बोल रहे थे वो। जी 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 ये क्या था अच्छा ये यार, बताइए, हाँ सर ये एक बात भविष्य बताइए, पुराण में जब पहले आपने बताओ ना क्यों ऐसा, ये सब बातें क्यों लिखी हैं आपके यहाँ। बोलने तो देंगे सर, ये बताइए कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी जो है आपको दूर भगा देती थी, हटा कौन देती थी दूर आप भगा सभी देते थे, लोगों को, क्यों भगाई भाई, और ये मतलब कि इसमें आप आपके भगवान शंकर में किसी की माँ कैसे आ गई यार। बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्त्री का, अरे हाँ क्योंकि वो आधा रूप स्त्री का होता है आधा रूप पुरुष का होता है, अर्धनारीश्वर भाई रूप मेरे कैसे यार, सर। भगो यार अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते, कहाँ से आए थे वो नहीं, इसका आधा उससे रूप मतलब स्त्री क्या का। है भाई, अनसुईया को अपना लिंग दिखा रहे हैं भगवान शंकर, इससे मतलब क्या है, आधा मतलब आधे पुरुष थे इसलिए, सिर्फ इसीलिए लिंग दिखा रहे थे क्या, मतलब कोई लाइसेंस मिलता है क्या लिंग दिखाने का। सर अब 2 साल का बच्चा जो है अपनी मम्मी के सामने अगर खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना लिंग दिखा रहा है, ये ओ आप भाई जैसे मेरे, वो स्वामी लिंग हाँ दिखा के बोल रहा है, रति देही मदा घूरणे हे मस्त 2 साल का नयनोवली, बच्चे कैसे बोलेगा, हाँ मुझे नहीं अपने साथ सेक्स कर वो रहे ये थे, दो दिखा साल भी का, देता हूँ चलो। 2 साल का बच्चा ये कैसे बोल सकता है, और क्या आप अपनी मम्मी से ये बोलते हैं जो अभी नहीं नहीं रति देही मदा घूरणे। हाँ नहीं ये रुकिए बताएं, आप रुकिए, क्या बोलते आप हो क्या मम्मी से ये बोलते हैं, बताओ भाई, दक्षिण बता रहा पंथी हूँ बताओ। बता, नहीं मैं बताओ, दक्षिण नहीं पंथी जवाब दो, नहीं क्या हूँ, बोलते हो, नहीं, मैं दक्षिण नहीं पंथी पहले नहीं बताओ हूँ, मैं नहीं मैं मम्मी से आप क्या सनातनी हूँ, बोलते हो, इसे मत लेबल मत आप कीजिए। सनातनी हो, हाँ मैंने मान लिया आप सनातनी हो, मान लिया, आप ही बताओ क्या मम्मी से आप ये बोलते हो रति देई मदा घूरने। मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ये देखो मैं एक मिनट अगर सुन लो, मान पहले कहां पे बोला है भाई, भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17, इसमें ये देखो सर यार, आप यहाँ पे लिंग को सर अपने हाथ में इसलिए लेके धारण किए हुए, तो भाई वो उनको समागम के लिए कह रहे हैं। नहीं रुके रुके मैं, हाँ रुके रुके मैं कह रहा हूं आपसे, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप साइंस में थ्योरी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं कि प्रैक्टिकल पर, आप बताइए प्रैक्टिकल पर भाई विश्वास इसमें रखते हैं कि थ्योरी थ्योरी और, पर। एक मिनट, इसमें हेलो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों समझा दो हमको, आपको टाइम है आप हाँ जी बताइए, चलिए बोलिए। अब आप जी पहले बताइए आप थ्योरी ये पर रखते हाथ हैं कि में जो लिंग प्रैक्टिकल पर। लेके, एक मिनट, हाथ में जो लिंग लेके औरतों को दिखा रहे हैं उसमें बताओ, मेरे से मत पूछो भाई आप थ्योरी प्रैक्टिकल, आप इसमें बता, इसी में अपनी सर थ्योरी छोटा प्रैक्टिकल डाल दो। अगर कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ है तो उसको संस्कार नहीं पता है, वो अपना हाथ पीछे भी लेकर के जा सकता है और आगे भी लेकर के जा सकता है, अरे इसमें भैया, पर छोटा छोटा बच्चा बच्चा कौन ये है। कैसे बोल सकता, छोटा नहीं बच्चा आया ये हाँ, कैसे बोल सकता कि रति देही मदा घूरणे, अपनी मम्मी से ये और कैसे इसमें बोल सकता है, हाँ, और इसमें वो छोटा छोटे बच्चा बच्चे को कौन है सेक्स के बारे में पता होता है, छोटे सर, बच्चे को सेक्स के बारे में पता होता है क्या। उसकी माँ की भावना जो है अपने बच्चे से, वो माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा क्या यार चाहता है। भाई माँ, ये यार ये मतलब बदमी, बच्चा सेक्स मांगेगा तो माँ समझ जाएगी क्या नहीं यार, बच्चे मतलब नहीं, मूर्खता वाली बातें कर रहा। नहीं उसमें यार जो लिखा है कि वो रुको रुको बंदा आज आप सेक्स धीरे के लिए धीरे बोल रहा है, तो यार मैं कह तो रहा भाई हूं कि सेक्स के लिए कौन सा बच्चा बोलता है, 2 साल के बच्चे को पहले तो ये बताओ ये कौन सिखा देता है कि वो सेक्स के बारे में बात करे। आप बच्चा सेक्स के बोल रहे हो लिए, ना, तो 2 साल का बच्चा क्या सेक्स के बारे में अच्छा यहाँ जानता है बच्चा कौन है क्या। भाई, वैसे ये तीनों में बच्चा कौन है, विष्णु ब्रह्मा महेश में बच्चा कौन है। तीनों के तीनों बच्चे हैं, वो जो भाव है वहां पर ये गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ अब है, मैं रुकना, बता अब रहा रुकना, रुको रुको रुको, ये भाव का हूँ। गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है भाई, सीधा सीधा तीनों के तीनों पहुंच गए हैं अनसुईया जी के सामने में, और वो कह रहे हैं रति देही मदा घूरणे हे मस्त आंखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर पे हत्या दे देंगे, नहीं करने दी तो। हाँ ये तो यार इसको यार कसम से इतने ठरकी बच्चे नहीं देखा यार फिर तो मैं, ये मैं क्या बता रहा हूं, बच्चे मैं हैं बता यार। रहा हाँ हूं, मैं बता ये रहा नहीं, ये बिगड़ैल बच्चे हैं भाई। हूं, मैं पूरी बात सुनेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। यार आपने कभी किसी बच्चे को, तीन बच्चों को खड़े होके लिंग को सर हाथ में लहराते हुए आपने देखा है कि रति देवी मादा घूरने कर रहा है कोई।